एक मवेशी नहीं, भारत में इसे माँ की संज्ञा दी गई है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी बतलाया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहमियत गौ माता की सियासत में देखी जाती है, जिस पर जब तब सवाल से लेकर बवाल तक मच जाता है, जिक्र से लेकर फिक्र तक दिखाई देती है। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच सड़क पर यहां वहां आवारा घूमती मूल समस्या है ये जो सड़क पर जहां चाहे आसन जमा ले, ये जो घास और भूसे से लेकर पॉलीथीन तक को अपना भोजन बना ले। फिक्र भले ही इसी की है, लेकिन इसी की फिक्र में आवारा गायों की इस समस्या का जिक्र भी वैसे ही खो जाता है जैसे भूसे में सुई। और फिर सवाल उठता है, कहां गई योजना, कहां गया अनुदान, कहां दिख रहे नियम, कहां गए सारे निर्देश, कहां हो रहा कानून का पालन, कहां दिख रही है कड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल, जब गाय हमारी माता, आवारा कौन बनाता। जी हां, योजना, अनुदान, नियम, निर्देश, कानून, कड़ाई, हो सकता है कि इन शब्दों को सुनकर सरकार का इकबाल बुलंद नजर आ भी जाए, लेकिन क्या कोई है जो जमीन पर हालात क्या है यह समझना और जानना चाहता हो, उसमें सुधार करना चाहता हो। कार्रवाई के नाम पर जो होता है वो सुर्खियों में छा जाता है, अखबारों में आ जाता है, और जो बाकी रह जाता है वो जमीन पर नजर आता है। आवारा मवेशी बड़ा मुद्दा भले ही है, लेकिन उनके लिए जो काम होना चाहिए वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। दरअसल जिन मवेशियों को आवारा कहा जाता है वो हमेशा से तो आवारा नहीं थे। उनके नाम के आगे आवारा शब्द जोड़ने के पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं जो पहले काम निकालते हैं और फिर काम निकलने पर इन्हें लावारिस छोड़कर आवारा मवेशी बना देते हैं। अब जब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गौवंश को लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं, तो एक बार फिर से जिम्मेदार जागे हैं और एक्शन में होने की बात कहते हैं। खुद सरकार सख्त मोड में आ गई है। सिवनी में हुई घटना के बाद जहां एक तरफ वहां के कलेक्टर और एसपी पर पहले ही गाज गिर चुकी है, तो वहीं मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन दिखाकर संदेश देने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ मैदानी अमले को भी एक्शन दिखाना पड़ा। इंदौर में नगर निगम का भी बड़ा एक्शन आवारा मवेशियों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारे जितनी भी गोवंश हैं, गौ माता है, उनकी उचित देखभाल हो और उनके सड़क पे गौ माता ना दिखें और उनकी उचित देखभाल की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इंदौर नगर निगम इसमें कार्रवाई कर रहा है। रेशम मिल पर स्थित हमारी नगर निगम की जो गौशाला है वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, नए टीन शेड लगाए जा रहे हैं, अभी वहाँ पर काफ़ी साफ सफाई करके कुछ बढ़िया व्यवस्था भी की गई है। देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा एक संचालित गौशाला है हाथों से आगे, वहाँ पे आज लगभग 1000 गाय हैं जो स्ट्रे एनिमल्स रोड के ऊपर घूमते हैं, तो हमारी रिमूवल की टीमें, कोंदवाड़े की टीम घूमती है, तो उन गायों को पकड़ के वहाँ सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जाता है। भारत में इस समय गौ हत्या को लेकर के कोई विशेष कानून नहीं है। लीचिंग को लेकर के भारत सरकार को एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत धारा 6 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम सजा 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ 5,000 रुपये से लगा करके 50,000 रुपये तक के फाइन का भी इसके अंदर अधिनियम में प्रावधान है। किसी भी पशु के प्रति यदि कोई मनुष्य क्रूरता करता है या अमानवीय तरीके से व्यवहार करता है तो उनको उनके खिलाफ जो है हम पुलिस रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आवारा पशु उज्जैन रोड और इंदौर गांधीनगर हातोद क्षेत्र में मौजूद हैं। दरअसल होता यह है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो पशुपालक उन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, और ऐसे भी कई पशुपालक हैं जो चारा चरने के लिए सुबह मवेशियों को घर से छोड़ देते हैं और शाम को उन्हें वापस ले आते हैं। हालांकि
नगर निगम बीच बीच में आवारा पशु को पकड़ने के लिए अभियान चलाता है। सड़कों पर बैठे कुछ मवेशियों को गौशाला पहुंचा दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों की तादाद में आज भी सड़क पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। तो जमीन पर क्या हालात हैं आपने इस रिपोर्ट में देखा है, और खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में रहने वाले जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो खुद जानते हैं, खुद देखते हैं इन तस्वीरों को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर वक्त सरकार प्रशासन को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी होती है जो खुद को गौसेवक बताते हैं, गौसेवा करने की बात पर चंदा भी लेते हैं, लेकिन फिर गाय को इस तरह सड़क पर खुले में छोड़ देते हैं। जब तक दूध देती है गाय तब तक उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सड़क पर कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी चरने के लिए इस तरह गायों को खुला छोड़ दिया जाता है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं गौशालाओं की क्या स्थिति है, वो भी लगातार हम आपको दिखाते ही रहे हैं। तो बड़ा सवाल तो यही है कि गाय हमारी माता है, फिर आवारा इन्हें कौन बनाता है। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बिलासपुर से, उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं बिलासपुर चलती हूं, उमेश आपके पास आऊंगी, जरा लोगों से भी पूछिए, जानिए और वहां पर क्या हालात हैं जो नजर आते हैं वो भी बताएं। सरकार रही है वो रोका छेका के जरिए गांव को जो है सड़कों पर जो घूमने वाली गाय थी जिनको बेसहारा छोड़ दिया जाता था उनको पकड़कर नगर निगम गौठानों तक पहुंचाने का काम करती थी। इसके लिए सरकार ने गौठान योजना भी शुरू की थी और यही वजह है कि इस योजना को लेकर बहुत सारे काम किए गए। लेकिन आज भी अब स्थिति देखेंगे तो लगातार जो गाय है या जो गौपालक है वो अपने गायों को छोड़ देते हैं और वो जो गाय है वो सड़कों पर इसी तरीके से बेतरतीब आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। और उसका नतीजा यह है कि आज ही एक बिलासपुर में घटना निकलकर सामने आई जिसमें एक कार चालक ने गौ वंश की जो है गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। जानबूझकर की गई, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत सीसीटीवी पर कैद भी हुआ है। हमारे साथ यहां के नागरिक भी मौजूद है, उनसे जानेंगे सर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, गाय लगातार जो सड़कों पर उसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए जो गाय है जो अभी सड़कों पर घूमती है, जिनके मालिक होते भी हैं, कुछ के मालिक नहीं भी होते हैं, लेकिन क्या है गाय के मालिकों को चाहिए कि वो अपने जो मवेशी हैं उनको अपने साथ में अपने कंट्रोल में रखें, उन्हें इधर उधर ना छोड़ें, उनका पूरा ख्याल रखें। और दूसरी ओर जो मवेशी हैं जो बेतरतीब जो घूम रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि एक उनके लिए कोई गौठान या किस प्रकार की कोई व्यवस्था करें जहाँ पे वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें और क्या है सड़कों पे आने के जो दुर्घटनाओं से बच सकें। बिल्कुल, आप किस तरीके से देखते हैं एक योजना?